हेलो, मैं हूँ शिवम। आप देख रहे हैं शिवम ऑटो टेक। तो मैं आज आप फिर से लेके आ गया हूँ भिलाई शहर में, सेक्टर 6 रांझी मोटर्स है। तो वहाँ के ऑनर से मिलते हैं और यहाँ के जो भी स्पेसिफिकेशन है जानते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर। थैंक यू। आपके शोरूम का नाम बताइए। राजी मोटर्स। राजी मोटर्स ये कहाँ पे पड़ता है अंकल अपने को? सेक्टर 6 डी मार्केट। डी मार्केट के पास ये कौन सा हाईवे है जो अभी खड़े हैं अपन? ये आप सेंट्रल एवेन्यू से आएंगे तो ग्लोब चौक से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूरी पर। अच्छा, आपके शॉप का नाम क्या है? राजी मोटर्स। राजी मोटर्स है। तो कितने बजट में आज दिखा रहे हैं अंकल? गाड़ी मेरे पास 1 लाख से लेकर 10 लाख 20 लाख तक की गाड़ी है। अच्छा, तो इस वीडियो में कितना कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में एटलीस्ट कम से कम 7-8 लाख तक की है। 7-8 लाख की। तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हुंडई की है, i20 है, आस्था मॉडल है और ये 2010 मॉडल है। 2.5 लाख में आई। 2.5 लाख इसका रेट रखे जी। उसमें क्या क्या मिल जाता है अंकल? उसमें मिल जाता मीन्स आपको RTO फीस लगेगी जी और हमारा 2% कमीशन रहता है। 2% कमीशन रहेगा। इंक्लूड रेट बता रहे हैं आप? नहीं, एक्सक्लूड है। अच्छा, इंक्लूड तो करके आप रेट बता दीजिए कितना पड़ेगा अंकल? जो भी गाड़ी लेंगे उसका 2%। अच्छा, 2%। और इसका कंडीशन वगैरह अच्छी है अंकल? सब वेल कंडीशन में मिलेगी, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी हम नहीं सेल करते हैं जी। और मैकेनिकल भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, और ओरिजिनल पेंट में अंकल गाड़ी? कुछ गाड़ियाँ ओरिजिनल पेंट में है, कुछ में टचिंग हुई है। अच्छा, कुछ एक्सीडेंटल तो नहीं है ना? एक्सीडेंटल गाड़ी हम सेल नहीं करते। अच्छा, तो इसका फाइनल क्या प्राइस रखे हैं? ये फाइनल 2,50,000। 2,50,000। और दूसरी कौन सी दिखा रहे हैं? दूसरी आइए, ये भी i20 है जी। इसके बारे में बताइए। 2014 मॉडल है जी। ये फाइनल 3,70,000 में आएगी। 3,70,000। ये भी स्पोर्ट्स मॉडल है। स्पोर्ट्स मॉडल है। इसमें अलॉय व्हील वगैरह मिलता है? अलॉय व्हील। अलॉय व्हील वगैरह मिलता है। और इसमें अंदर क्या क्या फीचर मिल जाती है? फीचर साउंड सिस्टम है, सीट वेट सब लग्जरीज है। अच्छा, और एसी वगैरह मिलता है? एसी फुल्ली एसी। और ये पेट्रोल है कि डीजल है? ये पेट्रोल वर्जन है। और इसका माइलेज क्या होगी अंकल? इसका माइलेज कम से कम 15-16 के आसपास। 15-16 की होगी। ये रायपुर पासिंग गाड़ी है। रायपुर पासिंग। इसका प्राइस क्या रखें? इसका प्राइस आएगा 3,80,000। और कितना चली होगी अंकल? ये 60-65 के आसपास। अच्छा, और ऑनरशिप क्या है इसका? ऑनरशिप फर्स्ट ऑनर। फर्स्ट ऑनरशिप पे। और दूसरी कौन सी दिखा रहे हैं आप? होंडा की। ये होंडा जज है। अच्छा, बताइए। 2018 मॉडल है जी। ये 5.5 लाख में आएगी। 5.5 लाख जी। और इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं? ये सारे फीचर्स तो होंडा जज में जो साउंड सिस्टम और इंटीरियर जो भी है सब जी, सब कुछ मिल जाता है। और इसमें अलॉय व्हील है अंकल? लगा है अलॉय व्हील। अच्छा, अलॉय व्हील लगा हुआ है। और कितना किलोमीटर चली होगी अंकल? ये भी 45-50 के आसपास। 45-50 के आसपास। और इसका ऑनरशिप क्या है? फर्स्ट ऑनर। और इसका प्राइस क्या रखे हैं आप? ये प्राइस आएगी 5.5 लाख। 5.5। और दूसरी कौन सी दिखा रहे हैं? दूसरा ये होंडा सिटी है जी। बताइए अंकल इसके बारे में। ये 2011 मॉडल है जी। ये 3 लाख में आएगी। वी मॉडल है। 3 लाख में होंडा सिटी जैसी गाड़ी जी। इसमें क्या क्या फीचर मिल जाती है अंकल? इसमें भी वही सारी सिस्टम है, बाकी इसमें अलॉय व्हील नहीं है। अच्छा, अलॉय व्हील नहीं है। कौन सी मॉडल बोले आप इसका? ये वी है। वी मॉडल है। और इसका कितना किलोमीटर चली होगी अंकल? ये 70 के आसपास। 70। और इसका ऑनरशिप क्या है? इसका ऑनरशिप भी थर्ड ऑनर। थर्ड ऑनरशिप पे। और इसका प्राइस 3 लाख रखे हुए हैं जी। तो दूसरी कौन सी दिखा रहे हैं अंकल? ये स्विफ्ट है। अच्छा, सबसे फेमस गाड़ी है स्विफ्ट। इसके बारे में बताइए अंकल, कब की मॉडल है ये? 2011 मॉडल है जी। वेरिएंट कौन सी है? VDI। VDI है। और ब्लैक कलर में गाड़ी है। इसमें क्या क्या मिल जाता है अंकल? इसमें भी सारी चीजें हैं। VDI में सेकंड टॉप मॉडल होता है ये जी। जी, इसमें अलॉय व्हील नहीं आता है। इसका ऑनरशिप क्या है? इसका ऑनरशिप फर्स्ट है। फर्स्ट ऑनरशिप पे। और इसका इंजन कंडीशन वगैरह क्या है? वेल कंडीशन है सर। ये भी 70-75 हज़ार ये भी चली हुई गाड़ी। ऑनरशिप क्या है? ऑनरशिप फर्स्ट है। और इसका प्राइस क्या रखें? इसका प्राइस आएगा 260। 260 में ये गाड़ी आपकी हो सकती है जी। तो दूसरी कौन सी दिखा रहे हैं? ये स्कोडा की लॉरा है। अच्छा, स्कोडा लॉरा। इसके बारे में बताइए अंकल। ये 2011 मॉडल है जी। ये भी टॉपेस्ट मॉडल है। मात्र स्कोडा जैसी गाड़ी लॉरा आपको मैं 2,75,000 में दे दूँ। 2,75,000 डीजल वर्जन में। उसमें भी कुछ कम होगा? हाँ, नेगोशिएबल तो रहता ही है जी। जी, और कितना किलोमीटर चली होगी ये? ये 1 लाख चली। 1 लाख चली हुई। और इसका ऑनरशिप? इसका ऑनरशिप सेकंड है। सेकंड ऑनरशिप है। लेकिन एक्सीडेंटल वगैरह है? नहीं नहीं, वो काम हम करते ही नहीं। अच्छा, कंडीशन भी अच्छी दिख रही है। रायपुर पासिंग गाड़ी जी, जी। दूसरी की स्विफ्ट डिजायर दिखा रहे हैं हम। ये स्विफ्ट डिजायर ZXi। ZXi है विद अलॉय व्हील। टॉप इसका टॉप मॉडल है जी। जी, टॉप मॉडल। ये 2010 मॉडल है। 2010। हाँ, ये आपको दे देंगे 2,80,000 में। 2,80,000 में। इसमें क्या क्या मिल जाता है अंकल? इसमें मीन्स गाड़ियों में अब वर्जन तो वही रहता है जी। एसी वगैरह? हाँ, एसी कंपलसरी है वर्किंग में। और पावर विंडो वगैरह? पावर विंडो सब कुछ है। ZXi ये टॉप मॉडल है ना जी। जी, तो इसमें अपने को कितना किलोमीटर चली होगी? ये भी गाड़ी चली 80 के आसपास। और इसका ऑनरशिप? ऑनरशिप इसमें थर्ड है।
थर्ड ऑनरशिप पे आएगा जी। कितना प्राइस रखे इसका? इसका प्राइस लगे 2,80,000। 2,80,000। और दूसरी कौन सी? ये 14 की स्विफ्ट VDI है। स्विफ्ट VDI डीजल है ये? जी जी। जिसको मतलब अभी मार्केट गाड़ी आती है पेट्रोल में, जिसको डीजल चाहिए वो आप प्रोवाइड करा देंगे। 3,60,000 में आएगी। 3,60,000। और इसका ऑनरशिप क्या है? इसका ऑनरशिप सेकंड है। और कितना चली होगी ये गाड़ी? भी वही 50 से 60 के बीच में। अच्छा, तो प्राइस क्या बोले इसका? इसका 3,70,000। 3,70,000। तो दूसरी कौन सी दिखा रहे हैं अंकल? हाँ, ये पीछे बोलो, ये इको स्पोर्ट्स है। इको स्पोर्ट, ये 2013 मॉडल पेट्रोल वर्जन में। अच्छा, पेट्रोल वर्जन में विद अलॉय व्हील के साथ। जी जी। इसका कंडीशन कैसा है? वेल कंडीशन, आप देख सकते हैं। ऑनरशिप क्या है इसका? ऑनरशिप फर्स्ट है इसमें। फर्स्ट ऑनरशिप पे गाड़ी है। और इसका किलोमीटर कितना चली होगी? किलोमीटर सर सबका वही आसपास है, 1,00,000, बिलो 1,00,000 से सभी सभी गाड़ियाँ। तो इसका प्राइस क्या रखें? ये 4,50,000। 4,50,000 में इको स्पोर्ट, जैसे 10,00,000 10,50,000 की कुछ गाड़ी रहती है, आपको ये 4,00,000 में मिल जाएगी। और कौन सी दिखा रहे हैं अंकल इसके? और ये बोलेरो है, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली महिंद्रा की गाड़ी भी है। बताइए अंकल इसके बारे में। ZLX 2016 मॉडल है, 6,50,000 में देंगे। 6,50,000 में। और इसमें क्या क्या म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब रहता है? वो कंपलसरी है। अच्छा, तो इसमें अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता है। और इसका ऑनरशिप क्या है अंकल? इसका फर्स्ट ऑनर। फर्स्ट ऑनर। और दूसरी कौन सी दिखा रहे हैं? ये i10 है। i10 बताइए अंकल, i10 के बारे में। ये 2012 मॉडल है। 2012 जी। और बताइए अंकल इसका? ये भी आएगी आपको, ये स्पोर्ट्स है। अच्छा, i10 स्पोर्ट्स। हाँ, ये आएगी 2,70,000। 2,70,000। इसका ऑनरशिप कितना है? फर्स्ट ऑनर। और इसका कितना किलोमीटर चली होगी? वही 60-65-70 के आसपास सब गाड़ियाँ रहती है। अच्छा, तो दूसरी कौन सी स्विफ्ट दिखा रहे हैं? कब की स्विफ्ट है? ये स्विफ्ट है 2009 की। 2009 की स्विफ्ट, डीजल है। अच्छा, डीजल है। और इसका ऑनरशिप क्या है? इसका सेकंड ऑनर। और कंडीशन कैसा है इसका? वेल कंडीशन है, वाइट कलर है, रायपुर पासिंग गाड़ी है। ये भी आपको आ जाएगी 2,50,000 के अंदर। और डेंटिंग पेंटिंग कुछ है? नहीं, हल्का फुल्का टचिंग तो सब गाड़ियों में रहता ही है। अच्छा, तो इसका प्राइस क्या रखे हैं? इसका प्राइस 2,60,000। 2,60,000 में आप ये गाड़ी उनकी हो सकती है। तो दूसरी और कौन सी दिखा रहे हैं होंडा की? ये भी एक होंडा सिटी है। ये भी होंडा सिटी है, 2009 की है। 2009। और ये मिल जाएगी आपको 2,70,000। 2,70,000 में होंडा सिटी। और इसमें क्या क्या मिल जाता है? सारे फीचर मिल जाते हैं। और कितना किलोमीटर चली होगी ये? भी उसी के आसपास चली है, 70-80 के आसपास। 70-80 के आसपास। और ऑनरशिप क्या है? ऑनरशिप इसमें सेकंड ऑनर है। सेकंड ऑनर है। और इसका फाइनल क्या प्राइस बोले? ये फाइनल 2,70,000। 2,70,000 में ये गाड़ी होंडा सिटी आपकी हो सकती है। और दूसरी कौन सी दिखा रहे हैं अंकल? ये i10 है, ये भी सेल हो गई है। अच्छा, सेल हो गई है, तो दूसरी दिखाते हैं। ये है, ये भी i20 है। अच्छा, i20 गोल्डन कलर में, 2009 की है। 2009। 2,25,000 में। 2,25,000 में होगा अंकल? ये भी फर्स्ट ऑनर में। फर्स्ट ऑनरशिप पे गाड़ी है। कंडीशन अच्छी है अंकल इसकी? देख लीजिए आप ही देखिए। जी जी। कलर भी अच्छी दिख रही है, गोल्डन कलर में। और इसका देख सकते हैं क्रोम वगैरह लगी हुई है। और आकर अगर ज़्यादा आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह लेनी है किसी भी गाड़ी की, तो अंकल से कांटेक्ट कर सकते हैं यार, राजीव मोटर्स में आके भिलाई। ये सेक्टर 6 में है ना? सेक्टर 6 डी मार्केट। इसका पार्ट, इसका प्राइस क्या रखें आप? इसका 2,25,000। 2,25,000। 2,25,000 में ये i20 आपकी हो सकती है। और दूसरी कौन सी दिखा रहे हैं? ये 2012 मॉडल है। 2012 की स्कॉर्पियो M2DI है। M2DI इंजन में आती है। 4,50,000 में आएगी। 4,50,000। कितना चली होगी लगभग? ये आसपास उसी के 80-70-80 के आसपास। अच्छा, ऑनरशिप क्या मिलेगा इसमें? ऑनरशिप सेकंड है। और इसमें अलॉय व्हील वगैरह सब लगी हुई है? इसमें अलॉय व्हील नहीं आता सर। अच्छा, आफ्टर मार्केट लगी? हां, ये लगी, अलग से लगाया गया। अच्छा, आफ्टर मार्केट इसमें लगी। और एसी वगैरह सब वर्किंग में? अच्छा, पावर विंडो वगैरह सब वर्किंग में। तो इसका क्या प्राइस रखें? 4,50,000। 4,50,000 में स्कॉर्पियो। और दूसरी कौन सी दिखा? सिर्फ डिजायर है, 5,00,000 में आएगी। 5,00,000 में आएगी। इसमें क्या क्या मिल जाती है आपको? सारी चीज, सारे फीचर्स है इसमें। VXI मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल होती है। सेकंड टॉप मॉडल। और कितना चली होगी अंकल? ये करीब 45,000। 45,000 चली है। और इसका ऑनरशिप क्या आएगा? ऑनरशिप फर्स्ट है। फर्स्ट है। और इसका प्राइस क्या रखें? 5,00,000। 5,00,000 में। और उसमें भी कम हो जाएगा अंकल? हाँ, सब नेगोशिएबल रहता है। और ये है, बताइए, 2015 मॉडल है जी। ये भी 2,50,000 में। 2,50,000 में गाड़ी है। और इसका ऑनरशिप क्या है? फर्स्ट ऑनर। फर्स्ट ऑनरशिप। और लमसम कितना चली होगी?
ये लमसम 40-42 की चाहिए। 40-42। तो और इतनी गाड़ी नहीं है क्या, और भी गाड़ियाँ हैं? गाड़ियाँ हैं, बाकी सब यहाँ रखने का जगह नहीं। जी जी, सारी दूसरी जगह में खड़ी, हमारा थोड़ा वो है यार्ड है, यार्ड में खड़ी है गाड़ी। जी जी, तो ये मेरी शॉप है, ये राजी मोटर्स करके यहाँ पर ऐसे शॉप मिल जाएगा। एक बार लैंडमार्क बताइए अंकल, और एक बार लैंडमार्क, ये अगर सेंट्रल एवेन्यू से आते हैं तो ग्लोब चौक से आधा किलोमीटर की दूरी में, आधा किलोमीटर की दूरी में, और यहाँ पर कम से कम बजट में गाड़ियाँ मिल जाती है और अच्छे कंडीशन में। तो यहाँ पर नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं शॉप। थैंक यू।